मैंने चेक किया है तो इट्स गुड बट इसमें मैम एक चीज रहता है कि जो भी हम ये साथ साथ में हम ना जो एनिमे मुखबार है उस पर भी काम करते हैं, उसमें हम डिफरेंट अटेम्प्ट्स करते हैं, वो तो हमें करना ही है। हाँ, वो तो हम की जो आप बच्चों को दे रहे हैं ये क्या वो रेगुलरली दे रहे हैं? नो, मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं लेते क्योंकि इसमें पुअर काम। अरे आपने नया ज्वाइन किया आज के डेट में कि टोटल में टोटल टोटल तो ओपीडी देखते हैं और एक्सरे हमारे इसमें और इसी डॉक्टर कौन है इसमें डॉक्टर में आप हैं डॉक्टर जी आप में से कोई बैठ सकती है कौन जी मैम आप क्या हो साथ कोई और काम भी करते हो जैसे ही ये पॉसिबल है कि हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया करती हूँ कि आपका जो जोश है वो मुझे कहीं और नहीं दिखता। जब भी मैं उड़ी बुनियाद आती हूँ तो मैं हमेशा ही नोटिस करती हूँ कि यहाँ के लोगों में बहुत जोश है और एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारी गवर्नेंस का, हमारे जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उसमें आप लोग साथ देते हैं और उसमें अपना ये समझते कि आपका फर्ज है कि इससे आपका फायदा तो होगा ही, लेकिन आप इसको एक फर्ज की तरह समझते हैं, हर चीज में आप साथ देते हैं और हमारी स्कीम्स के बारे में जितनी जानकारी मुझे लगता है क्योंकि हम ब्लॉक दिवस में जानकारी भी देते हैं कि ये स्कीम्स है तो मुझे लगा यहाँ पर देने की जरूरत नहीं हुई। आप सबको पता है कि कौन सी स्कीम कहाँ चल रही है, किससे आप मुफीद हो सकते हैं, किससे आप फायदा उठा सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत मुश्किल इलाका है। मैं समझती हूँ और जानती हूँ कि ये एरिया हम अभी तो जिस एरिया में बैठे हैं इससे भी बहुत ऊपर बहुत हिली एरियाज हैं, ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अगर बर्फबारी होती है तो कनेक्टेड रोड में भी लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, ये मैं समझ सकती हूँ। कोशिश हमारी तरफ से रहती है जल्द से जल्द बर्फ उठाए, जल्द लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व है, आपकी भी हमें जहां जहां जरूरत पड़ेगी, चाहे वो कोई भी ड्राइव हो, मैं किसी एक ड्राइव की बात नहीं करूंगी, जैसे स्वच्छ भारत मिशन उसमें हर एक पंचायत में हम चाहते हैं कि वो गांव जो है वो पंचायत जो है वो साफ रहे, उसमें दो दो स्वच्छग्राही अगर कहीं पे नहीं बने तो उसमें पीआरआई और आप सब लोग जो है वो अपने लोगों को आमादा करें कि वो इस अभियान में हमारा साथ दें ताकि हम हर घर से, जैसे शहरों में होता है डोर टू डोर कलेक्शन, वो एक अनोखी चीज है। आप गाँव में भी हम बोलते हैं कि आप अपना कूड़ा जो है वो कहीं पर ऐसी जगह पे मत फेंकिए, हम आपका कूड़ा कलेक्ट करेंगे और उसको सही जगह पे फेंकेंगे, इससे हमारा ही जो ब्लॉक है, हमारा जो पंचायत है वो साफ रहेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ, लेकिन इससे आप सब कहना चाहती हूँ कि बहुत वाइब्रेंट और एनर्जी मुझे यहाँ फील होती है जब भी मैं इस इलाके में आती हूँ, इसी तरीके से आप भी हमारा साथ देते हैं और इंशाल्लाह हम भी आपको मायूस नहीं करेंगे। उसका मौके पे इजाला किया गया, उनको डायरेक्शंस भी दी गई डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कि किस तरीके से टाइम बाउंड मैनर में अपने इश्यूज को रिजॉल्व करना है और साथ में जहां पर इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस की कहीं ज़रूरत थी उनको भी बताया गया कि किस तरीके से सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो पब्लिक सेंट्रिक एक्टिविटीज़ किस तरह से करें। बहुत सारे इशूज़ यहाँ डिस्कस हुए जिसमें ये भी फीडबैक भी लिया कि किस तरीके से डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया एडमिनिस्ट्रेशन को भी और जहाँ पे इश्यूज थे उसको भी नोट डाउन किया। फायर सर्विस हमने तीन एरियाज के बारे में जो है एडिशनल मांगे हैं, शीरी, बोनियार और एक और एरिया है, इसमें हम यही कह सकते हैं कि हमने ऑलरेडी इसके बारे में लिखा हुआ है, वी आर होपफुल कि हमें जरूर, देखिए जब भी बर्फबारी होती है तो हमारा एक SOP होता है RND, PMGSY और जितने भी RDD के रोड्स होते हैं वो क्लियर करवाना। कभी कभी ऐसा एक इशू ये हो जाता है कि अगर फर्स्ट डे नहीं हो तो सेकंड डे पे ऑलमोस्ट क्लियर होते हैं, तो आज के टाइम में एवरीथिंग इज क्लियर। सिटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के बारे में LG साहब की भी डायरेक्शन है और जो चीफ सेक्रेटरी साहब की भी डायरेक्शन है कि छोटे जो लोग हैं और जो बिल्कुल जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है या ऐसे छोटे शांटीज में रह रहे हैं उनको तंग नहीं करना है,
लेकिन क्योंकि स्टेट लैंड और कांचराई लैंड जो है वो एक आम इंसान की जमीन है, अगर उस पर कोई बड़ा आदमी एक बड़ा मॉल बना रहा है या कोई ऐसे पैलेसेस बना रहा है तो उससे एक जो ना ही सिर्फ आम इंसान जो है अफेक्ट होता है बल्कि एक गलत मैसेज भी जाता है। और उसके लिए जो एक्शन चल रहे हैं वो पिछले कुछ देर से पॉजिटिव हमें रिस्पांस मिला, बारामूला में कोई भी ऐसी नेगेटिव हमें न्यूज़ नहीं मिली। हर किसी, मैं तो बोलूँगी 40-40 कनाल लोगों ने जो है आके खुद बोला कि आप ये ले लीजिए, और एक पॉजिटिव वे में बारामूला में एक ये मुहिम चली जिसमें लोगों ने खुद आके डोनेट भी किया कि हम यहाँ पर पेड़ उगा रहे थे या हम ऐसे कर रहे थे लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें प्लेग्राउंड बने तो आप ये ले लीजिए।